और मार्वल यूनिवर्स का वो कैरेक्टर है जिसे अगर प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो उसका एक एक मोमेंट किसी मूवी को ऑसम बना देता है। हालांकि वहीं जब राइटर्स उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो माहौल कुछ और ही हो जाता है। पर एक चीज हम सब जानते हैं कि मल्टीवर्सल आर्क के सीक्रेट वॉर्स तक चलते रहने के लिए हमें मल्टीपल थॉर्स पहले ही दिख जाने चाहिए, क्योंकि तभी थॉर का असली पोटेंशियल हमें दिखेगा। मैं बात कर रहा हूँ थॉर कॉर्प्स की और उन थॉर कॉर्प्स मेंबर की जिनके दिखने से सीक्रेट वॉर्स ही नहीं पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का लेवल कुछ और ही हो जाएगा। चाहे हम बात करें थंडर और थॉर लीफ की, या हम बात करें बीटा रे बिल की, या थ्रॉग फ्रॉग ऑफ थंडर, स्टॉर्म बॉर्न, ग्रूट या जेन फॉस्टर की, जो कि ना ही सिर्फ सीक्रेट वॉर्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे बल्कि इनमें से एक नया मेंबर ऑडियंस सरोगेट होता है पूरी स्टोरी का, जिसके थ्रू हमें पूरी कहानी समझ आती है। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक हमें दो ही थॉर दिखे हैं, जिसके साथ साथ दूसरी थॉर मर चुकी है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आपका स्वागत है रोड टू सीक्रेट वॉर्स के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर की सीक्रेट वॉर्स में इंपॉर्टेंस की। तो दिल दहला देने वाले और मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो थॉर दिख चुके हैं, जिनमें से एक लव एंड थंडर के एंड में मर गई। थॉर के कॉर्बिनाइट वर्जन बीटा रे बिल की शक्ल हमें ग्रैंड मास्टर के अरीना के ऊपर जरूर दिखी, और थ्रॉग हमें वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम में ईस्टर एग की तरह दिखा। हालांकि जहां अभी माइटी थॉर की कहानी खत्म नहीं हुई है, बीटा रे बिल भी कंफर्म है कि वो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है और थ्रॉग का ये वर्जन वॉइड से नहीं निकलने वाला। वहीं मेरे हिसाब से इतने थॉर भी कम है सीक्रेट वॉर्स के थॉर कॉर्प्स के लिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि थॉर कॉर्प्स क्या है। थॉर कॉर्प्स गॉड एम्परर डूम की पुलिस फोर्स थी, जिनका काम था पूरे बैटल वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गॉड एम्परर डूम के लिए। ये लोग बिना कुछ सवाल किए डूम के लिए काम करते थे। इस टीम के मेंबर होने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था कि मेंबर्स वर्दी होने चाहिए हॉल ऑफ डूम्स गार्ड की सेरेमनी में म्यूनिट उठाने के लिए। इन सब में सबसे जबरदस्त मेंबर है थंडरर थॉरलिफ, जो कि मैनगॉग मर्डर सॉल्व करके 13 हल्क को एक रात में अरेस्ट कर लेता है। तो आइए थॉर कॉर्प्स के कुछ मेंबर और कुछ बाहर के लोगों के बारे में जानते हैं। बीटा रे बिल, कॉर्बिनाइट रेस का प्रोटेक्टर बीटा रे बिल थॉर के जितना ही वर्दी है, जो कि ना ही सिर्फ थॉर का हैमर उठाता है बल्कि वो थॉर को एक प्रॉपर वॉरियर बैटल में हराता भी है, जिसके बाद वो उसे मरने से बचाता भी है। तब ओडिन बीटा रे बिल को म्योनिर जैसा ही हैमर बनवा के देते हैं सेम एन्चेंटमेंट के साथ, जिसका नाम था स्टॉर्म ब्रेकर। बीटा रे बिल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जहां उसने ग्रैंड मास्टर के अरीना में फाइट भी की है और एक टाइम पर उसका चैंपियन भी रहा है। अनवर्दी थॉर, मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 616 का थॉर, जो कि कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान म्योनिर नहीं उठा सकता था, इस वजह से वो थॉर कॉर्प्स का मेंबर भी नहीं बन पाता। प्लस उस बेचारे को कोई वेलहालास मीड हॉल में घुसने भी नहीं देता, क्योंकि वो बार रिजर्व था थॉर कॉर्प्स के मेंबर के लिए। र्यून थॉर, र्यून थॉर को र्यून किंग थॉर ना समझे। र्यून किंग थॉर थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है, जिसने रैग्नारोक साइकिल रोका था, जबकि र्यून थॉर डूम के साथ मिलकर जेन फॉस्टर और थॉर के ह्यूमन फॉर्म डोनाल्ड ब्लेक को टारगेट कर रहा था, ताकि पूरी थॉर कॉर्प्स को पुराने मल्टीवर्स के बारे में कभी कुछ याद ना रहे। माइटी थॉर, जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनती है जब थॉर ओडिनसन अनवर्दी हो जाता है। हालांकि मूवी में हमें एक अलग टेक दिखा जेन के वर्दी होने का, जहां वो अपना इलाज ढूंढते हुए म्योनिर के टुकड़ों के पास आती है और म्योनिर अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए जेन को बचाने के लिए पावर्स देता है, पर जेन इन पावर्स की वजह से कीमोथेरेपी का असर खो देती है और जितनी बार वो थॉर बनती है वो अपनी डेथ के करीब चली जाती है और लास्ट में गौर को रोकते हुए वो मारी जाती है। हालांकि जैसे कॉमिक्स में माइटी थॉर वेलहाला जाकर भी म्योनिर यानी गॉड टेम्पेस्ट की पावर से वापस आ जाती है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि एमसीयू में भी जेन वापस आ जाए, पर जब वो वापस आए तो पूरे एसगार्ड को अपने साथ लेकर आए। थंडरर थॉरलिफ, अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स अर्थ 1610 का थॉर, जो कि थॉर कॉर्प्स का सबसे एफिशिएंट मेंबर होता है। इसने मैनगॉग जैसे पावरफुल बीइंग की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी और अनवर्दी थॉर के साथ मिलकर इसी ने पता लगाया कि डूम क्या कर रहा है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स जैसा है, जहां थंडरर थॉरलिफ के पास भी वैसा ही हैमर है जैसा हमारे लाइव एक्शन थॉर के पास है। इन सबके ऊपर जब बैटल वर्ल्ड खत्म होता है तो इसी थॉर का हैमर उड़कर जाता है ओल्ड एसगार्ड में, जिसे उठाता है वोल्स्टैग और बनता है वार थॉर। एमसीयू की थॉर जर्नी इसी रास्ते पर जाते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं थॉर के बाकी वर्जंस की। बाकी थॉर की बात करें तो यहां है स्टॉर्म बॉर्न, जी हां ये ओरोरो है, एक म्यूटेंट जो कि म्योनिर को उठाती है और बनती है थॉर। ये पावर्स उसे सूट भी करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी थंडर को कंट्रोल कर सकती है। ग्रूट थॉर, ये थॉर का वर्जन सिर्फ 3 शब्द बोलता है, आई एम थॉर। इसकी बॉडी थॉर की तरह है प्लस ये वर्दी है। ये एक पल को आपको सोचने पर मजबूर कर रहा होगा, इन्फिनिटी वॉर का वो मोमेंट जब ग्रूट थॉर का हैमर उठाता है ताकि अपने हाथ से उसे हैंडल प्रोवाइड कर सके। फिर आता है डिस्ट्रॉयर थॉर, ये थॉर र्यून थॉर की हेल्प करता है उसके गलत काम में। ओल्ड थॉर जो कि पूरे थॉर कॉर्प्स का लीडर होता है। लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा द फ्रॉग ऑफ थंडर थ्रॉग की, जो कि फॉरेंसिक्स का हेड होता है थॉर कॉर्प्स में। थॉर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी मार्वल यूनिवर्स में। वो ऐसा टीम प्लेयर है जो कि पूरे बैटल को बैलेंस कर देता है अपने जबरदस्त पावर से।
थॉर की जबरदस्त एंट्री ने इंफिनिटी वॉर में चार चांद लगा दिए थे। थॉर रैग्नारॉक में थॉर का असली पोटेंशियल जितने धमाकेदार तरीके से हमें दिखाया गया उसका कोई मुकाबला नहीं। इवन कॉमिक्स में भी थॉर माहौल को पलट देता है, चाहे हम बात करें उसके अल्टीमेट्स की एंट्री की जब किसी से हल्क नहीं संभल रहा था, या हम बात करें निक फ्यूरी को धमकाने की, या हम बात करें क्री को अपने सबसे डेडली फॉर्म से आजाद करवाने की। जब सबको लग रहा था कि बिल्डर्स को रोकना पॉसिबल है कि नहीं, तब थॉर ने एक बिल्डर को खत्म ही कर दिया। तो उसके मल्टीपल वेरिएंट्स अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एस्टैब्लिश हो जाने चाहिए थे, जिनके साथ साथ उसकी इतनी सारी आइकॉनिक स्टोरी लाइन और अल्ट्रा पावरफुल विलन से मिलना हमारा बाकी है। ऐसा लग रहा है कि आज तक थॉर हमें जितना दिखा है कम दिखा है। हालांकि अभी का थॉर हमें हमेशा दिखता नहीं रह सकता जैसा कॉमिक्स में होता है। तो एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया में कैंग एक पॉइंट पर कहता है कि वो सारी टाइमलाइंस को बर्बाद करके एक नई टाइमलाइन बनाएगा अपने हिसाब से। सब कुछ पॉइंट कर रहा है बैटल वर्ल्ड की तरफ, जहां मल्टीवर्स अल्टीमेटली इंकर्जन की वजह से खत्म हो ही जाएगा। और जैसे डूम गॉड एम्परर बनकर सब पर राज कर रहा था, वैसे कैंग ऐसा करेगा और यहां उसे थॉर कॉर्प्स चाहिए ही। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रीबूट की तरफ बढ़ रहा है, जहां थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ एक या हद से हद दो मूवी में थॉर का रोल वापस प्ले कर सकते हैं। वहीं एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स की जरूरत एमसीयू को है। बेशक वो सीक्रेट वॉर्स के बाद अब कुछ रीसेट करके पुराने एवेंजर्स वापस ले आए, पर फोकस रखे नए कैरेक्टर पर ही। अब मैं आपको जल्दी से कुछ थॉर फैक्ट्स बता देता हूं ताकि आप कट्टर थॉर फैंस बन ही जाएं। थॉर के क्रिएटर स्टैनली और जैक किर्बी को थॉर को बनाने का आइडिया तब आया जब वो दोनों एक बड़े बेहतर और सबसे स्ट्रांग सुपर हीरो बनाने में लगे हुए थे। तब उन्हें ध्यान आया कि क्यों ना एक गॉड को ही सुपर हीरो बनाया जाए। तब स्टैनली ग्रीक गॉड्स और रोमन गॉड्स की तरफ ना जाकर गए नॉर्स गॉड्स की तरफ, क्योंकि उस टाइम नॉर्स गॉड्स के बारे में कम ही बात की जाती थी। और तब उन्होंने बनाया थॉर को, क्योंकि थॉर तूफान ला सकता है और उसके छोटे हैंडल वाला हैमर बहुत इंटरेस्टिंग वेपन है। हमें बेशक गौर, हेला और मेलेगिथ जैसे थॉर विलन्स एमसीयू में दिख चुके हैं, पर अभी ऐसे और पावरफुल थॉर विलन्स हमें नहीं दिखे जिन्हें लाइव एक्शन देखना एक थॉर फैन के लिए सपना सच हो जाने जैसा है। इनमें शामिल है गैलेक्टस, मैनगॉग, ओलिक और मिडगार्ड सरपेंट, जिनके बारे में आज तक हमें एमसीयू में कहीं हिंट भी नहीं मिला। स्पाइडरमैन मूवी डायरेक्ट करने से पहले सैम रैमी और स्टैनली फॉक्स के ऑफिस गए थे थॉर मूवी का आइडिया लेकर, पर सैम रैमी जितने एक्साइटेड थे स्टैनली के साथ मीटिंग में जाकर, वो उतने ही हैरान भी थे कि स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स नहीं समझ पा रहे थे कि थॉर कौन है। रून किंग थॉर सबसे पावरफुल फॉर्म है थॉर का, वो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास ओडिन फोर्स होने के साथ साथ र्यून मैजिक भी है, जो कि उसने हासिल करी अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस करके। ओडिन ने भी र्यून मैजिक हासिल किया है, पर उनकी पावर्स थॉर से आधी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक आंख ही सैक्रिफाइस करी थी। थॉर लव एंड थंडर में जब ज्यूस थॉर के कपड़े फ्लिक कर देता है, तब थॉर के टैटू रिवील होते हैं, जिनमें उसने अपने जितने भी करीबी लोगों को खोया है उनका नाम लिखा हुआ था। ये नाम थे मदर, फादर, हेमडाल, लोकी, टोनी और नताशा। ये जितना अच्छा लगा देखकर, उससे ज्यादा ये प्रूव भी कर रहा है कि कैप्टन अमेरिका भी जिंदा है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो थॉर उनका नाम जरूर लिखता। तो दोस्तों, ये थी वीडियो थॉर्स के सीक्रेट वॉर में इंपॉर्टेंस के बारे में। मार्वल स्टूडियोज जो कि लकी रहा पहले तीन फेज बिना कॉन्ट्रोवर्सी के सर्वाइव करने में, वो प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, जहां ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं पर फ्यूचर में उन्हें रिबूट के बारे में सोचना होगा, ताकि वो अपने सारे कैरेक्टर्स को फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज कर पाएं। पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप अनवर्दी थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।